नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है डे नंबर 17। इसमें देखिए, मैंने कई सारे मैप जो है लगातार मैं आपको दे रहा हूँ, आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा मेहनत करके सारी इन्फॉर्मेशन एक मैप में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने मैप बनाया नेशनल पार्क का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो नहीं बन पाया, प्लस कई सारी गवर्नमेंट की साइड से लेटेस्ट डेटा है, बिल्कुल अभी का, बिल्कुल ताज़ा। देखिए सबसे पहला मैप है, मैं इसको टेलीग्राम में भी लगातार शेयर कर रहा हूँ, जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम में फ्री वाले में जुड़े हुए हैं उनको ये लाभ जरूर मिल रहा होगा। देखिए ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें सारी चीज़ें लगातार मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारे ग्रुप का एड्रेस जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, 1,16,000 समथिंग लोग हैं। अब इसमें देखिए मैंने लगातार जो है आपको पिक देता जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक दिए मैंने, ठीक है। ये लगातार पिक लगातार लगा हुआ हूँ मैं, रात में भी मैं देता रहता हूँ इसमें पिक, और सारी चीज़ें जो हैं इसमें हम लोग कर रहे हैं कवर, ठीक। तो इसमें ये वाला डे 17 में कई इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। पहले ये PDF जो है अभी मैं भेज दूंगा इस वाले ग्रुप में, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में ये वाली PDF जो अभी जो 2-3 दिनों की आएगी वो लगातार उसको फ्री ही रखेंगे, ठीक है। अब ये इस एक पिक में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। सबसे पहले क्या है, ये टाइगर रिजर्व टोटल जो है, प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था, 1973 अप्रैल में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे चालू किया गया था। 50 इस समय है, सबसे लेटेस्ट जो है आपका ये वाला है, लेटेस्ट जो टाइगर रिजर्व है मेरे हिसाब से शायद ये वाला है, कामलांग वाला, आप बताइएगा एक बार कंफर्म करके। ये मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। देखिए टाइगर रिजर्व में अगर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न मोस्ट है राजा जी, फिर कामलांग, फिर कलक्कड़, फिर सह्याद्री, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट है आपका राजा जी और ईस्टर्न मोस्ट है आपका कामलांग, ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। और कलक्कड़ जो तमिलनाडु में, ये साउदर्न मोस्ट है, और आपका जो ये वाला सह्याद्री है ये वेस्टर्न मोस्ट है। ये अच्छा मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा, मतलब नॉर्दर्न मोस्ट जो है सबसे नॉर्थ में है आपका राजा जी, ऐसे करके देख सकते हैं। ये सबसे इधर राजा जी है जो आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। और साउदर्न मोस्ट में कौन सा है, कलक्कड़ है तमिलनाडु में। ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है आपका, कामलांग है अरुणाचल प्रदेश में। और वेस्टर्न मोस्ट है सह्याद्री महाराष्ट्र में, ये जरूर याद रखिएगा। 50 हैं देख सकते हैं, मैंने हर स्टेट में लिख रखा है किसमें कितना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राजा जी है, ठीक है, 2 टाइगर रिजर्व में। कॉर्बेट जो है ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भी है ये, हैले नेशनल पार्क नाम से 1936 में स्टार्ट किया गया था, पहला टाइगर रिजर्व भी यही बना था। उत्तर प्रदेश में कितने, उत्तर प्रदेश में 3 है टाइगर रिजर्व, एक है पीलीभीत, एक है दुधवा और एक है अमनगढ़ जो कि बफर है कॉर्बेट का। अरुणाचल प्रदेश में 3 है, नामधापा, कामलांग और पक्के। असम में 4 हैं, मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग, ठीक है। फिर आपका मिजोरम में 1 है डंपा, पाला मऊ जो है ये आपका झारखंड में है, वाल्मीकि है आपका बिहार में। मैंने इसीलिए स्टेट के बगल में लिख दिया कि आपको जो है आसानी से देख लें। राजस्थान में 3 है, रणथंबोर, मुकंदरा हिल और सरिस्का। महाराष्ट्र में 5 हैं, एक्चुअली पेंच जो है ये महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है, MP में भी फैला हुआ है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में सह्याद्री है, तदोबा, अंधारी, मेलघाट, बोर और पेंच, ठीक है। फिर उसके बाद कर्नाटक में जो है आपके 5 टाइगर रिजर्व हैं, बंदीपुर, भद्रा, दंदेलियंशी, नागरहोल और बिलीगिरी। केरला में 2 हैं टाइगर रिजर्व, के पेरियार, पैरम्बिकुलम। तमिलनाडु में 4 हैं, कलक्कड़, अनामलाई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम। आंध्र प्रदेश में आपके 1 है नागार्जुन सागर जो कि श्रीशैलम, ये है टोटल नाम इसका। ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है एरिया वाइज, जरूर याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है ये। फिर तेलंगाना में 2 हैं आपके, कवल और अमराबाद। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं, कितने, 6 हैं, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना और संजय धुबरी। देखिए MP में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी हैं और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी हैं, 10 हैं MP में नेशनल पार्क और 6 हैं टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा आप, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस में है, वो आपकी अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है। अगर ओवरऑल देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 96 है अंडमान निकोबार में। स्टेट वाइज बताइए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा किस, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट कौन सी बनी, ये दोनों क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। ये बाकी जो है अगर आप देखें, छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व हैं, इंद्रावती, अचानकमर और उदंती सीता नदी, ठीक है। वेस्ट बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व हैं, सुंदरबन और बुक्सा, ठीक है। तो सुंदर बुआ आप याद रख सकते हैं, सुंदर बुआ से तो सुंदर बनो बुक्सा हो जाएगा। उड़ीसा में सतकोसिया और सिंपलीपाल, ठीक है। ये वाले मतलब सारे मैंने स्टेट में लिख दिए, स्टेट के बगल में लिख दिए हैं ताकि ये आपको देखने में आसानी रहे।
मिजोरम में डंपा है मैंने बताया, तो ये 50 टाइगर रिजर्व जो है, ये सारा ये मैप बनाया है, आपको पसंद आया होगा मुझे लगता है, काफ़ी मेहनत करी है मैंने इसमें, खुद ही बना रहा हूँ मैं सुबह से इसको। ठीक, तो ये देख लीजिएगा टोटल, देखिए टाइगर का वो भी स्टैटिस्टिक देख दिए, 2018 में 2967 प्लस, ये हाईएस्ट है आपके टाइगर मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में है, फिर आपके फिर उत्तराखंड में है 422, और यूपी में है 173। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं इंडिया में, फिर रशिया में, फिर इंडोनेशिया में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था। रामसर साइट अब हो गई 27। ठीक है, जो सुंदरबन वाला है इसको भी मिल गया है, अब सुंदरबन वेटलैंड जो है वो भी बन गई है रामसर साइट। वर्ल्ड की पहली रामसर साइट जो है 1974 में की गई थी, जो कि कौन सी थी, कोबुर्ग पेनिनसुला थी ऑस्ट्रेलिया की। सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं यूके के पास। ठीक है, एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता है, ये भी रामसर वेटलैंड से रिलेटेड होता है। इसमें एक्चुअली ये देखते हैं कि इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट कौन है, जहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो ये फिजिकल चेंजेस या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से चेंजेस हो रहे हैं, और ये उस वेटलैंड को मतलब ये चीज़ दर्शाता है कि उसको जो है बचाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इमीडिएट चैलेंजेस के लिए है ये। तो मॉन्ट्रुक्स रिकॉर्ड के हिसाब से इंडिया की दो साइटें जो हैं इनको रिकॉग्नाइज की गई थी, एक थी लोकटक, ठीक है, और एक है आपकी केवलादेव घना जो है, घाना नेशनल पार्क। ये दो साइट हैं माउंटेन्स रिकॉर्ड इंडिया में। 27 कौन कौन सी हैं देख लीजिए, सब ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 27 की 27 का ये देखिए नाम यहाँ लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रामसर में वुलर जो है नॉर्दर्न मोस्ट है, और वुलर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है ये। सस्तम कोटा जो है ये साउदर्न मोस्ट है, लोकटक आपकी ईस्टर्न मोस्ट है, और नाल सरोवर जो है वेस्टर्न मोस्ट है। ठीक है, बाकी सबके नाम जो है उसके बगल में लिखे हुए हैं। जैसे ये देखिए, ये है वुलर, वुलर होकरा और ये सुरीन सागर, मानसागर, मानसर, ये तीनों जम्मू कश्मीर में हैं। अब यही तीनों हैं क्योंकि सो मोरिरी जो है, वैसे ये भी जम्मू कश्मीर में थी लेकिन ये अभी लद्दाख में आ गई। ठीक है, चंद्रताल ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है, पोंग डैम भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और इसमें देखिए पूरा लिखा हुआ है मैंने ये। ठीक है, और उसके बाद यूपी में कौन सी है आपकी, अपर गंगा रिवर जो है आपकी, अपर गंगा है रिवर ब्रिज घाट से लेकर नरूरा तक। ठीक है, राजस्थान में है आपका सांबर लेक और केवला देव, नाल सरोवर जो है आपकी गुजरात में है, भोज वेटलैंड आपकी एमपी में है, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड और सुंदरबानी है आपका हो गया वेस्ट बंगाल में, भीतरकनिका और चिल्का लेक ये उड़ीसा में हो गया, कोलेरू लेक हो गई आपकी आंध्र प्रदेश में, पॉइंट कैलीमेयर ये तमिलनाडु में, और केरला में तीन है, वेम्बानाथ, अष्टामुडी और सस्तम कोटा। ठीक है, अच्छा इस समय जो है अब लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी हो गई, सुंदरबन हो गई है, याद रखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये जो है यहाँ पे पंजाब में जैसे कंजली हो गई, हरिके हो गई, ठीक है, रोपर हो गई, ये सारी पंजाब में है। ठीक है, उसके बाद ये पूरी लिस्ट आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये मैंने पूरी लिस्ट देख रखी है, रामसर साइट की पूरी लिस्ट है ये, जो 27 हो चुकी हैं ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 27 हो चुकी हैं, उसमें से कौन कौन सी है, अस्तामुडी केरल में है, भीतरकनिका उड़ीसा में है, भोज आपकी मध्य प्रदेश में, चंद्रताल एचपी में हिमाचल प्रदेश में, चिल्का लेक उड़ीसा में, दीपोर जो है बील असम में, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड वेस्ट बंगाल में, अरिके आपकी पंजाब, होकरा जम्मू कश्मीर में, कांजली पंजाब, केवलादेव जो है राजस्थान में है, कोलेरू लेक है आपकी आंध्र प्रदेश, लोकटक आपकी मणिपुर, नाल सरोवर जो है आपकी गुजरात, पॉइंट कैलीमेयर ये तमिलनाडु, पोंग डैम लेक है हिमाचल प्रदेश, रेणुका हिमाचल प्रदेश, रोपर पंजाब, रुद्रसागर आपकी हो गई त्रिपुरा, सांबर लेक राजस्थान, सस्तम कोटा केरला हो गई। ठीक है, और सुंदरबन जो लेटेस्ट साइट अभी किसको इंक्लूड किया गया, सुंदरबन को लेटेस्ट अभी हुआ है, ये जनवरी 2019 की न्यूज़ है, ये जरूर याद रखिएगा, ये आ सकता है ये। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, वो बताइए कौन सी लेटेस्ट अभी हुई है और अब कितने नंबर है, ये मैं बता चुका हूँ डे वाइज में। सुरीन सागर मानसर जो है ये जम्मू कश्मीर में, सो मोरिरी जम्मू कश्मीर में, वेम्बनाथ केरला में, अपर गंगा जो है उत्तर प्रदेश में। ये सारी मतलब पिक मैं लगातार दे रहा हूँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं तो लगातार आपको फ्री मिल रही होगी। एलिफेंट रिजर्व जो है इंडिया में 16 स्टेट में है, एलिफेंट जो है शेड्यूल वन का है ये, याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल वन में आता है ये। सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पे हैं, कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक, असम और केरला पहले, और इस समय अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे हैं, एमपी में है, अब नंबर टू पे आ गया कर्नाटक, पहले नंबर वन पे था। एलिफेंट हॉस्पिटल मथुरा में खोला गया था 2018 में,
2454 जो है कैप्टिव एलिमेंट है इंडिया में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 को चालू किया गया था। टोटल 32 एलिफेंट रिजर्व हैं इंडिया में पूरे, ठीक है। ये वाले 16 स्टेट हैं जहाँ जहाँ एलिफेंट पाए जाते हैं। हाथी 27,000 के आसपास जो है जनसंख्या हाथियों की आकी गई थी, 27,312। सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है ये आपकी अनाईमुडी में है, अनामुडी में, और सबसे ज़्यादा जो है ये साउदर्न रीजन में है। ये एलिफेंट रिजर्व के बारे में है ये 16। ये कौन कौन से देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं हाथी, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश। अच्छा एक चीज़ और है, एक माइक करके प्रोग्राम चलाया गया था एलिफेंट के लिए, 2003 में चलाया गया था साउथ एशिया में। इसका फुल फॉर्म क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिमेंट। तो मतलब ये एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए था। आपसे पूछेंगे माइक प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो हाथियों से रिलेटेड, याद रखिएगा। 10 साइट है माइक की इंडिया में, कौन कौन सी है वो साइट, ये है पूरी लिस्ट। एक है आपकी चिरंग रिपू असम में, धंग पत्की असम में, और ईस्टर्न डुआर्स जो है वेस्ट बंगाल में, देवमाली है अरुणाचल प्रदेश में, और गैरो हिल्स है आपकी मयूरभंज में उड़ीसा है, मैसूर है कर्नाटक में, नीलगिरी तमिलनाडु में, शिवालिक है उत्तराखंड में, वायनाड है केरला में। फिर देखिए ये बायोस्फीयर रिजर्व का भी देखिए एक पिक मिला दिया है, पूरा सब कुछ जो है डेटा यहाँ पे एक पिक में घुसगढ़ के रख दिया है बिल्कुल। आप इसको देख लीजिए, पिक जो है डाउनलोड कर लीजिए अपने पास भैया जी और बहनी जी। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे अगर आप, यहाँ टोटल इस समय 701 बायोस्फीयर रिजर्व है 124 कंट्री में। बायोस्फीयर रिजर्व में तीन जोन होते हैं, कोर जो मतलब सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बफर, फिर ट्रांजिशन जो कोर और बफर के बीच में होता है। कोर में मतलब पूरा का पूरा कंजर्वेशन पे ध्यान देते हैं, और एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती हैं। पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा देश है, वो है स्पेन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इस समय इंडिया में, जिसमें से 11 जो है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो कि 1971 में चालू हुआ था उसमें जो है घुसे हुए हैं, ठीक है। लेटेस्ट आपका बायोस्फीयर रिजर्व है कंचनजंगा। तो ये 11 जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम में घुसे हुए हैं, उनको याद करने की ट्रिक है GS पास के चार नंबर, ठीक है, GS पास के चार नंबर, इससे आप याद रख सकते हैं। टोटल जो है 11 के 11। जी से हो जाएगा आपका गल्फ ऑफ मन्नार, ये वाला जो है आपका, ठीक है, एक एक करके देखते जाइए। एस से हो जाएगा सिंपलीपाल, ठीक है। पी से हो जाएगा आपका पचमढ़ी, ठीक है। ए से, एक ए से हो जाएगा अचानकमर, एक ए से हो जाएगा आपका अगस्त्यामलाई, एक एस से हो जाएगा आपका सिंपलीपाल, एक से सिंपलीपाल एस से, और एक से सीसाचलम, कोई एक इधर उधर कर लीजिए। के से कंचनजंगा हो जाएगा, 4N यानी कि 9, चार बार N है। N हो जाएगा नीलगिरी, ठीक है, एक हो गया नीलगिरी हो गया आपका, एक हो गया आपका नंदा देवी, एक हो गया जो है ग्रेट निकोबार, ठीक है, ये 3N हो गए, और एक आपका हो गया नोकरेक, तो 4N हो गए। तो इससे GS पास के चार नंबर हैं। अब देखिए इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है मैंने, ठीक है। जैसे कि आप ये नॉर्दर्न मोस्ट की बात करेंगे तो बस पर नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, कोल्ड डिजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में वो नॉर्दर्न मोस्ट है, सबसे नॉर्थ में है। दिहांग देबांग जो है आपका ईस्टर्न मोस्ट है, और ग्रेट निकोबार जो है साउदर्न मोस्ट है, सबसे साउथ में है। गल्फ ऑफ का जो है वेस्टर्न मोस्ट है। सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है मैंने, जिससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी, जैसे कोल्ड रिजर्व हिमाचल प्रदेश में है, स्नो लेपर्ड बहुत फेमस है यहाँ पे, नंदा देवी उत्तराखंड में है, स्नो लेपर्ड यहाँ भी पाया जाता है, सिक्किम में जो है स्नो लेपर्ड, और सॉरी कंचनजंगा सिक्किम में है, स्नो लेपर्ड और रेड पांडा के लिए काफ़ी फेमस है। अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग देबांग, ये मानस जो है असम में है, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग और जो है एशियाटिक एलिफेंट पाए जाते हैं। नोकरेक मेघालय में है, गैरो हिल्स वेस्टर्न गैरो हिल्स में पाया जाता है। दिब्रू सैखोवा असम में है। पन्ना जो है बायोस्फीयर रिजर्व MP में है। पचमढ़ी जो है MP में है। और जायंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल जो गिलहरी होती है पाई जाती है। गल्फ ऑफ कच्छ जो है गुजरात में है, इंडियन वाइल्ड लाइफ पे यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अचानकमर अमरकंटक, ये भी मैंने आपको बताया अभी, ये एक्चुअली दोनों में है, ये MP और ये छत्तीसगढ़ दोनों में इसको मान सकते हैं इसको, ठीक है। MP प्लस CG इसीलिए लिखा हुआ है। मैकाला हिल्स में है ये, मैकाला हिल्स में लोकेटेड है। सुंदरबन जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र यहाँ पे नदियाँ मिलती हैं, डेल्टा बनाती हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा। टाइगर यहाँ पे फेमस है। सिंपलीपाल उड़ीसा में है, ठीक। उसके बाद इंडिया का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ग्रेट रेन ऑफ कच्छ गुजरात में। स्मॉलेस्ट जो है आपका दिब्रू शेखोवा है असम में।
सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था नीलगिरी में। नीलगिरी तीन स्टेट में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। सीसाचिलम जो है आंध्र प्रदेश में है। ग्रेट निकोबारी साउदर्न मोस्ट है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। ठीक, गल्फ ऑफ मन्नार जो है तमिलनाडु में है। डुगोंग सी काऊ ये पाई जाती है यहाँ पे। अगस्त्या मलाई तीन राज्यों में फैला हुआ है, केरल, तमिलनाडु, नील, और ये जो है यहाँ पे नीलगिरी थार बहुत फेमस है। तो देख रहे हैं आप, एक पिक में सारी इन्फॉर्मेशन घुसड़ दी है। अब आप इसको जो है आपको कुछ कुल मिला के खाना है यहाँ पे, ठीक है, और सीधा जो है वहाँ पे जाके करके आना है। तो ये हो गई पूरी बायोस्फीयर रिजर्व। आप पिक देख रहे हैं कि नहीं, ये है नेशनल पार्क। ठीक है, ये नेशनल पार्क है, इसको यार नेक्स्ट वाले वीडियो में करते हैं, कर करके थक गया हूँ। अच्छा एक चीज़ और है, ये वाली पिक भी मैंने दी है, ये बिल्कुल ऑफिशियल पिक है, सर्वे ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट में मैं घुस गया था और वहाँ से कुछ डेटा निकाल के लाया हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भैया जी, बहनी जी, इसको एक बार देख जरूर लेना। ये वाला चलो नेक्स्ट वाले में करते हैं। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।